हरि ओम श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः श्री द्वारकाधीश नारायण नमो नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको कर्मों के सिद्धांत के बारे में बताता हूँ कि कर्म कैसे अपना काम करता है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण श्री भागवत पुराण की कथा का पठन कर रहे थे। बहुत ही विष्णु पुराण, भागवत पुराण बहुत ही अच्छी कथा है और भागवत पुराण का महत्व तो आप सब जानते ही हैं। उसी समय वहाँ से गरुड़ जी निकले और उसने भगवान विष्णु का नाम सुना तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। सोचने लगे कि ये तो हमारे भगवान की कथा है, तो सो वो भी सुनने बैठ गए, बहुत ही अच्छा लगा सुना। दूसरे दिन फिर आ गए, दूसरे दिन ब्राह्मण ने कथा शुरू की, बहुत ही अच्छा लगा। तीसरे दिन ब्राह्मण आए, ब्राह्मण बैठे हुए थे कथा, गरुड़ जी आए तो ब्राह्मण की तबीयत कुछ खराब हो गई। तो ब्राह्मण बोले कि मुझे आज से नहीं कथा पढ़ा जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हूँ। तो गरुड़ जी बोले आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। तो गरुड़ जी उसको भगवान भोलेनाथ के पास लेके गए, भोलेनाथ ब्रह्मा जी के पास लेके गए। ब्रह्मा जी बोले हमें अभी विष्णु भगवान के पास जाना चाहिए। तो सब मिलके विष्णु भगवान के पास गए। तो वहाँ जाके विष्णु बोले हम लोग जाएंगे विधाता के पास क्योंकि वही सबकी ज्ञाता है, उसको कर्म दिया हुआ है। तो विधाता के पास गए, विधाता ने कहा जब ब्रह्मा विष्णु महेश गरुड़ जी ब्राह्मण जब जमाओ की जब भी इसका मृत्यु हुई तो सोचिए आप कैसा कर्म कहाँ से ढूंढने काला। हरिओम द्वारकाधीश वैसे ब्राह्मण अमर था लेकिन जब उसको एक विधाता ने उस नाम से लिखा था कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गरुड़ जी ब्रह्मा जी जब पांचों मिले, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गरुड़ ब्राह्मण पांचों मिले जब भी उसका मोक्ष था। तो गरुड़ जी के हाथ को मोक्ष लिखा हुआ था और उसी वक्त उसका मोक्ष हुआ जब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गरुड़ जी ब्राह्मण मिले। तो ये अच्छे कर्म करते रहिए और जय द्वारकाधीश बोलते रहिए। जय